No, if you have any question, you can ask me. True symbol has finished. You can unmute yourself. Have to draw physically. Physically का मतलब क्या है कि लामा फेरा में आपको you should not touch any person. तो इसलिए ना अगर आपके पास wand है, that wand is going to help you. That wand is going to amplify your energy. अभी तो lockdown में wand नहीं बना सकते. Okay, यहाँ पे भेज नहीं सकते. And already many people has ordered the wand. I mean this lama fera kit from us. But दिक्कत ये है कि order भी आया है, money confirmation भी हुआ है, फिर भी lockdown की वजह से हम भेज नहीं पा रहे हैं. सर ऐसा wand यूज कर सकते क्या अभी के लिए? यस सर, 7 क्रिस्टल्स है और सर बाहर से ओजोन ग्लास है और क्रिस्टल यूज. Sir, Mamta. Good evening, sir. Good evening. Sir, can you give us the recording for today, sir? I missed. Recording ho to raha hai, to fir puch kyu rahe ho? Dekho na pehle. Recording nahi hota to haan, ek question theek tha. Recording hone ka matlab hai, recording mujhe khud rakhne ke liye to main recording to karunga nahi. Aap logo ke liye dene ke liye hi to karunga na recording. हेलो सर नमस्ते. हजुर सर नमस्ते. सर मैले दुईटा कुरामा अलिकति कन्फ्युज भयो. यो आलुमा सिम्बल गर्दाखेरि चाहिँ जो जस्तै सात पटक हामीले त्यो भाँडामा चाहिँ मेटलको भाँडामा चाहिँ हामी त्यो वनले अथवा केले औजारले बनाउँछौँ, एकचोटि बनाइसकेपछि एकचोटि फुक्ने हो सर? एकचोटि बनाएपछि एकचोटि फुक्ने, अर्कोचोटि बनाउने फेरि फुक्ने, अर्कोचोटि बनाउने फेरि फुक्ने. कम्तीमा पनि सातचोटि बनाउने बेला सातचोटि फुकिसक्यो सर. हजुर मैले त बुझेँ सर. अनि यो जस्तै अहिलेको यो अनिन सिम्बलबाट चाहिँ यो गर्दाखेरि जस्तै टाढैबाट हामीले यो गर्दाखेरि त्यो ट्यापिङ चाहिँ उसैले गर्न लाउने होइन? ट्यापिङ चाहिँ उसैले गर्न लाउने. हस् हस् थ्याङ्क यू सर. हस् सर हम ग्राउन्ड अनम्युट करके वन बाय वन कर लीजिएगा, ठीक है? हेलो सर. हाँ जी सर, जब हम ग्राउंडिंग करेंगे तो हम नीचे में जैसे जब हम उसमें बनाते हैं रेकी वगैरह में, तो हम वहाँ पे भी सिंबल बना के उसको वहाँ पे सील करते हैं, तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ करना होगा? अभी उसके लिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्टेड हो लामा फेरा मंत्र से. ओके. और आपने क्या किया करने से पहले आलुमा सिम्बल से फिर हर एक जगह पे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आने की जगह का आपने रोक दिया. ठीक है सर. बस आप अपने आप को ग्राउंडिंग कर रहे हो, कोई फियर को फेंक रहे हो. ओके. नाउ लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग दैट नाउ देयर इज लेस फियर. फियर घट गया है. आई फील सर. नाउ सी, अगर 2 मिनट में 5 मिनट में इतना डिफरेंस होता है, अगर आप रेगुलरली करोगे तो क्या कुछ नहीं होगा यार लाइफ में. दूसरे को कराने से पहले, हीलर बनने से पहले, पहले तो अपने ऊपर करके देखना पड़ेगा ना. अब वैक्सीन बनानी है, कोरोना की वैक्सीन लगाने से पहले पहले ट्रायल तो करना पड़ेगा ना. ठीक है ना? यस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. यस बोलिए सर. व्हाइल डूइंग आई मीन प्रैक्टिस दिस टैपिंग एक्सरसाइज, फॉर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टैप एंड रिलीज टू द ग्राउंड सर? लाइक अंटिल व्हाट इज ना. ओके, एवरी टाइम्स आपको. Very simple question, okay? But let me give the answer on a different way. When you are doing it for yourself, when you are doing it for your family, jitna jitna tapping aapko karna hai, okay? Jab tak ye na kam nahi hota, isko grounded karna hai. Jaise jaise aap karte jaoge, it will become less and less, okay? That is one thing. Healer or patient need to tap for themselves. Aap unko sunne ki zarurat nahi hai. You don't have to touch them. ठीक है, क्लियर है? इफ समवन वांट टू लीव द क्लास दे कैन लीव. सेकंड थिंग, लामा फेरा इज वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव हीलिंग मोडालिटी. ओके, इफ यू फिनिश द हीलिंग विद इन 2 मिनट, व्हाट विल हैपन? मैंने 4,000-5,000 देखे भी, इसने क्या चीज हीलिंग कर दिया, ऐसा फीलिंग भी ना है, राइट? सिंपल सी बात है. यस, बिकॉज एवरी वन समवेयर यू आर गेटिंग एनर्जी एक्सचेंज फॉर योर हीलिंग, तो एटलीस्ट उनको भी लगनी चाहिए कि आपने हीलिंग किया है, तो एटलीस्ट अच्छी तरह से उनके भी तो टाइम तो दे दो ना.
हेलो। हाँ जी सर। सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। पिछले कुछ दिनों से मैं सावर मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा हूँ रोज सवेरे। पिछले दो दिनों से क्या हुआ, जब भी मैं सावर मंत्र प्रैक्टिस करता हूँ, एक 10-15 बार काउंट होने के बाद मेरा जो ब्रीदिंग है वो काफी हेवी हो जाता है। इतना हेवी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और इधर जरा पुणे में कोरोना का माहौल जरा ज्यादा डेंजर है, तो डर लगता है कि वो ब्रीदिंग मतलब, तो मैंने थोड़ा सा उसको कम कर दिया है। तो ये थोड़ी देर के लिए चलेगा सर, बाद में मे बी आई विल कंटिन्यू इट। ठीक है सर, अब मे बी आप कंटिन्यू उसको कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जहां जहां पे आपको डर लग रहा है, जहां जहां पे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रहा है, वहीं पर टैपिंग करके वहां पे अमीन बना दीजिएगा सर, सी द डिफरेंस। ठीक है। यस सर। सर मुझे ना वो ग्राउंडेड कर रही हूँ, जब मैं मेडिटेशन, उसमें मैंने आपको कल मैसेज भी किया था कि बहुत अजीब सा फीलिंग हुआ और अजीब सा मैंने कुछ देखा उसके अंदर, तो उसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं चला अभी मेरे को। मैं एक्चुअल में वो था कि एक पेड़ बन गई थी मैं एकदम से, और पूरा वो बोलते हैं ना हिल से लेकर किनारे तक मैं एक पुल बन गई थी, ब्रिज बन गया था, और वो लकड़ का था, प्रॉपर लकड़ थी, मतलब जैसे पेड़ होता है। उसमें कहां से एक छोटी सी बच्ची आई, वो उसके ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर से हिल गिर रहा था, एक पहाड़ का पूरा एक पीस गिरा, और उसमें उस बच्ची को मैंने सेव किया, मतलब उस बच्ची को मैंने अपने एक स्मॉल से पीस का होल बनाकर उसे अंदर उसने लिया, और वो ना हिल जैसे ही गिरा ना, तो वो मैं दो टुकड़ों में पीस में डिवाइड हो गई, और जो जिसमें बच्ची थी ना वो फ्लो हो गया पानी के बहाव से, और वो किनारे पे जाके बहुत देर बाद जाके किनारे पे लगा, और उसके बाद सर सब कुछ शांत, एकदम सब कुछ शांत, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बट अमेजिंग फीलिंग थी, लेकिन वो दो पीस में जो कट पीस हुआ था उसमें आई वॉज स्केर्ड, लेकिन मैं उस बच्ची को बचा सकी, मुझे एक वो था। और उसके बाद वहां पे लाइट, अभी थोड़ा सा शैमनिज्म की प्रैक्टिस कर लो, हील हो जाएगा। सबसे पहले वो कबूतर वाला तो मैंने किस्सा बताया, सेकेंडरी अभी कोई आके पास में बैठ रहा है, पूरा ब्लैक कलर का है, मैं देख नहीं पा रही बट फील कर पा रही हूँ। मैंने पूछा भी क्या चाहिए, क्यों आते हो, तो एक ही चीज बोला, मुक्ति दे दो, मुक्ति चाहिए, बस आपके पास है मुक्ति दे दो। समझ में नहीं आ रहा मुक्ति क्या, किस चीज की, यानी कि ये बहुत दिन से क्वेश्चन था मेरे अंदर, क्या मांग रहे हैं, का मतलब क्या है, बंधन से मुक्ति। ओके, तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बंधन लगा दिया हो, तो उसको बोल दो ना कि मैंने तुझे मुक्ति दे दिया मेरे तरफ से। ओके ओके, मैंने कहीं पे किसी लाइफ में तुझे बांधा हो, बंधन में रखा हो, ओके, आज मैं तुझे हर एक प्रकार की मैंने बांधे हुए बंधन से मैं तुझे मुक्ति देता हूँ। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ गुरुजी, ठीक है। यस, नेक्स्ट। हाँ गुरुजी, मैं हाँ एक्चुअली मैं जब ये साधना करती हूँ, मतलब मूलधारा का मेडिटेशन और फिर साबर मंत्र, फिर उसके बाद में मुझे रात भर तो नींद नहीं आती है, फिर सुबह सुबह आती है थोड़ी देर, दोपहर तक थोड़ी, 10-11 बजे तक फिर उठ जाती हूँ, लेकिन रात भर में तो ये जागी ही रहती हूँ। और दूसरा ये है कि साबर मंत्र तो मुझे बाय हार्ट हो गया है, तो इसलिए, और वो मैं कभी भी मेरे को है ना वो आ जाता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो फटक से आ जाता है, मतलब ऐसे मैं बोलती रहती हूँ, जैसे कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो फिर भी वो मन में आ जाता है, तो और तो इसका ये मतलब है कि सिद्ध हो गया है। सिद्ध अभी भी टाइम है, जब तक ना कम्प्लीट ना हो, मान के चलो एक ना आप किसी चीज की खुदाई कर रही है, ओके, हीरे की खान की खुदाई कर रही है, ओके, अच्छा अच्छा, हीरे की खान की खुदाई करने में, ओके, जैसे से आप जा रहे हैं, आपको एक हीरे के टुकड़ा मिल गया, आपने बोला कि ना मुझे हीरा मिल गया, ना वहां से आपने अगर जर्नी को खत्म कर दिया,
हो सकता था कि उसके नीचे 10-50 या फिर हीरे की पच्चीस हो सकती थी। अगर आप पहले ही हीरे में ओके नाउ आई एम वेरी हैप्पी मुझे सब कुछ मिल गया बोलोगी तो वो नीचे का साइड फिर छूट सकता है। So I have to continue to steal 41 days. Yes, continue it. Sir. हाँ जी. Sir, sir, basic lama fera में क्या relationship healing सिखाया जाएगा जाता है? देखो सर, basic जो relationship के विषय में यहाँ पे आएगा तो आएगा, जरूर आएगा, okay? मगर ये है कि आपको symbol के माध्यम से किस तरीके से आप relationship को heal कर सकते हो, उसके विषय में आएगा सर। अच्छा। और सर लामा फेरा का मास्टर डिग्री करना है तो क्या आप ऑनलाइन करा सकते हो? बेसिक करो ना, फिर उसके बाद फैक्टर वो आएगा, दूसरा आएगा, तो उसके बाद देखते हैं ना। अभी से क्यों इतना हतार कर रहे हो यार, पहले इसको तो कंप्लीट करो पहले। तो हम है ना सिखाने के लिए। हेलो, हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था, ये जो भी आपने पानी के ऊपर ड्रॉ करने के लिए बताया है आलुमा सिंबल, तो अगर ये हम लोग पूरा प्रोसेस करके और इस पानी को किसी बॉटल में सेव करके रख लें, स्टोर करके, और डेली अगर इसको घर में अपने मतलब अपने घर में अगर यूज करें तो ठीक है, मतलब स्टोरेज कर सकते हैं, मगर इफ यू हैव टाइम यस आपको रेगुलरली करना है। अच्छा, क्योंकि आप ठीक है सर, स्टोरेज किए हुए खाने को कितने देर तक आप खा सकते हो? हाँ भाई, इसीलिए मैंने सर पूछा कि स्टोरेज करना ठीक है कि नहीं। अगर किसी को देना है ओके और वो दूर है ना, उसके लिए बना के दे सकते हैं। अच्छा, तो वो कितने देर तक ठीक रहेगा? गुजराती लोग उसको लेके जाते हैं थेपला स्टोरेज करके ना, ऐसे ही हम दे तो सकते हैं, मगर क्या आप हर रोज खुद के लिए थेपले खा के रह सकते हो क्या? सिंपल सी बात है, घर के लिए तो फिर वो ठीक रहेगा कि डेली कर ले या फिर ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ जयदीप बोलो। सर, ये जैसे हम जब यूज करेंगे सिंबल तो ये कैसे पता लगेगा कि वो हील कर रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने सिंबल यूज किया आमीन और जो हमने आलुमा, तो प्रॉपर उनका एनर्जी दे रहे हैं, जैसे हमको कैसे पता लगेगा वो? अभी देखो सर, अगर आपको मेनी टाइम्स ना ओके, वी नीड टू थिंक अबाउट मेनी फैक्टर ओके। मान के चलो जब तक किसी ने आपको हीलिंग देने के लिए ना बोला हो तब तक आपको हीलिंग नहीं देना है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगर आप किसी को हीलिंग दे रहे हो ओके विदाउट देयर नॉलेज, हो सकता है कि आपकी हीलिंग ना काम ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा फॉर योरसेल्फ अगेन, क्योंकि आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो, आई एम सो मच पावरफुल कि मैं किसी को भी एनर्जी दे सकता हूँ, ठीक है ना? यस यस। थर्ड थिंग ओके, इफ समवन इज आस्किंग फॉर अ हीलिंग, इसका मतलब है कि मान के चलो अगर कोई ना मरने वाला भी है, आप उसको बचा सकते हो, तब तक वो ना बचना ही नहीं चाहता तो आप बचा के करोगे क्या फिर, राइट? सो दैट इज द सेम थिंग अप्लाई ऑन अ हीलिंग। दूसरी चीज, व्हेनेवर इफ समवन आस्क्स फॉर अ हीलिंग, आप ना यूनिवर्स से बोल सकते हो कि दैट पर्सन इज आस्किंग मी फॉर अ हीलिंग, इसलिए आई नीड दैट एनर्जी, आप मेरे माध्यम से चैनलाइज करके उसको दे दो। अपने फैमिली के ऊपर कर सकते हैं बस इतना ही है, अपने फैमिली के ऊपर बिना बता के कर सकते हैं, अपने फैमिली के ऊपर, ठीक है ना? दूसरी चीज ओके, अगर एक काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इफ यू आर आपने 3 दिन दिया, 5 डेज दिया, 7 डेज दिया, और उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, उसके नेचर में डिफरेंस आ गया, देन अंडरस्टैंड कि कुछ तो हो रहा है। अगर आपको कुछ डिफरेंस ही नहीं फील हो रहा है, आपको खुद को भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है और जिसको आप दे रहे हो उसको भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, देन अंडरस्टैंड कि अभी भी कुछ चीज कहीं ना कहीं पे तो गलत है। बट वो क्या चीज गलत है वो चीज फिर एज अ बाद में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? यस। हेलो गुरुजी। हेलो गुरुजी। हाँ जी बोलिए जी। कभी कभी लेकिन कैसा होता है, हम जिसको हीलिंग देना चाहते हैं
वो प्रॉब्लम में बहुत होता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि हम सच में प्रॉब्लम में है या नहीं है, तो फिर भी हमको ऐसा लगता है नहीं हीलिंग दी तो एटलीस्ट वो तो समझ तो जाए कि नहीं उसको, तब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखो ऑब्वियसली है ना, जब हम अपने बच्चे हैं या फिर अपने फैमिली है उनको ना बिन बताए भी दे सकते हैं, दैट इज फाइन, बट बहुत सारे लोग अगर वो प्रॉब्लम में हैं कहीं ना कहीं पे दे आर फेसिंग देयर कर्म राइट। जब तक प्रॉपर टाइम नहीं आएगा और आपको ना 100 बार भी आप जाके बता दो ना कि यू नीड हीलिंग, वो मानने वाले नहीं है। आपका काम एक बार बता देना है, आपने बता दिया, आना ना आना उनकी मर्जी है। यस सर, करेक्ट सर, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। एक चीज रिलेटेड, ऐसा कुछ आपकी फैमिली मेंबर को आप उसकी हीलिंग कर दो तो क्या उस कंडीशन में हम दे सकते हैं हीलिंग? आपकी आवाज मुझे थोड़ा सा समझ में आया सर। आई रिक्वेस्ट अदर पीपल टू म्यूट देयर देमसेल्फ। यस सर, एक्चुअली ऑलरेडी ओवर, इफ दोज हु वांट टू लीव प्लीज दे कैन लीव। मैंने कितने बार मुझे बोलने के लिए करवाते हुआ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टे, यू कैन आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, स्वप्निल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। सर वास्तव में हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, और जब फर्स्ट टाइम अगर मैंने वो सिंबल यूज कर लिया उस स्पेस पे पर्टिकुलर हाउस में, और वो जैसा वाटर का सिंबल करके सभी वाटर कॉर्नर में डाल दिया, तो वन टाइम में वो पूरा न्यूट्रो एनर्जी रेक्टिफाई होगा या कंटिन्यू मुझे कितने देर करना पड़ेगा? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सपने में सर एक बार फिर से। सर वास्तु में किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं सिंबल्स या ये जो सावर मंत्र है, ठीक है, और अगर मैं एक बार किसी भी हाउस में ये कर लूं वाटर का पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, कॉर्नर पे, तो पूरा एनर्जी रेक्टिफाई हो जाएगा या मुझे और करना पड़ेगा बार बार उसको, तो कितने देर करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स या कुछ उसका कुछ दिन करना पड़ेगा? वास्तु में भी क्या है कि यू हैव टू फिगर इट आउट कि वो नेगेटिव एनर्जी कितने टाइम से है, ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, वो नेगेटिव एनर्जी कितना स्ट्रॉन्ग है, तीसरी चीज, घर के अंदर के लोग ने किया है, बाहर के लोगों ने किया है, ओके, और वो कहाँ पे क्या चीज दिक्कत है, सो वी हैव टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स ना, तभी तो हम वो चीज बता पाएंगे कि हमें कितना करना है ना। एक बार आपने करके देखा, ओके, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देते हो, साल्ट देते हो, क्रिस्टल देते हो, ये या फिर पिरामिड वगैरह देते हो, या फिर वास्तु यंत्र वगैरह देते हो, उसको लामा फेरा मंत्र से आप चांद करके दे दो ना, नाउ सी द डिफरेंस। ओके ओके सर, मतलब मैं जो कुछ भी चीज यूज कर रहा हूँ उसको अगर मैं मंत्र से उसको एक्टिव कर दू, मतलब एनर्जी कर दू, तो वो डिफरेंस ज्यादा आएगा उसका। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुरु जी, काजल बात कर रही हूं। पूछा था। हाँ जी बोलिए। ओके, गुरु जी, काजल बात कर रही हूँ सर। हाँ, जैसे मुझे किसी को हीलिंग देना है तो पहले मुझे साबर मंत्र का चैंट करना है, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड जो भी हमारे सिंबल्स है वो ड्रॉ करना है, एंड आफ्टर दैट वो हीलिंग देना है, ये प्रोसीजर से जाना है ना? हाँ जी, अभी तक ना हीलिंग पहले से तो यही है कि हमने हीलिंग देने से पहले 6 सिंबल को खत्म होने दो, फिर फाइनली आई विल टेल यू द डिटेल प्रोसेस कि आपको कौन कौन सी सिंबल क्या क्या करना है, अभी 2-3 दिन रुक तो जाओ। हाँ ठीक है। और सर, ये जो फियर का आपने हमें बताया आमीन का, तो मुझे अभी यहाँ पे थर्ड आई और मेरे नेवल चक्र पे मुझे फियर फील हुआ था, तो मुझे दोनों पूरा एक ही सिंबल दोनों मिला के ड्रॉ करना है या थर्ड आई पे अलग ड्रॉ करना है और नेवल पे अलग ड्रॉ करना है? देखो, पहली चीज ना, अंडरस्टैंड द वेरी सिंपल थिंग, अगर आपको हर एक जगह पे हो रहा है तो हर एक जगह पे बनाओ ना, और हर एक जगह पे टैपिंग करके उसको ग्राउंडेड करो पहले। जब तक ग्राउंडेड नहीं करोगे तब तक आप ऐसे सिंबल नहीं बनाना है। उसके बाद अगर यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे बनाओ, फिर नाबेल में हो रहा है नाबेल में बनाओ, हर जितने भी पार्ट में हो रहे हैं हर एक जगह पे बनाओ, एंड सी आप बनाने के बाद उसके जो
इंटेंसिटी है, जो फोर्स है वो कितना कम हो रहा है। okay. आपको रेगुलरली, जब तक वो कम्प्लीटली ना जाए, आपको रेगुलरली करते रहना है। ओके, तो पहले 3-4 बार टैपिंग करना है, फिर सिंबल बना के स्टॉप कर देना है, है ना? हाँ। ओके, थैंक यू सर। यस गुरुजी, मैं बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे पूछना था कि जो मैंने जब मंत्र पढ़ा पानी में, वो पानी कोई भी छिड़क सकता? नहीं, मम्मी भी छिड़क सकती है, सिर्फ मुझे ही छिड़कना है? कोई भी छिड़क सकता है, इतना लॉजिक लगाते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू गुरुजी। imagination as well as I could not imagine that negative energy is going out. I could not, like, that is bit problematic for me. So is it okay if I just draw the Amen symbol in water and drink? Yes, it? Yes, that is totally fine. मैंने क्या बोला? There are many people who cannot visualize. There are many people who cannot imagine, and that is totally normal. Okay, so we can draw the symbol in water as well as we can drink it, right? Yes. Okay, so Guruji, if we don't find this Tulsi stem at home, because when we are in periods, we generally say that we shouldn't touch the Tulsi plant because it gets dried away and it will completely, the plant will be lost. मुझे बताओ, कभी आपने पीरियड में तुलसी प्लांट को छुके देखा है? And no. Did the plant has dry out? Yes. During periods, it will generally dry out if we touch the plant. तो आपने कितने बार करके देखा? Once it has happened, Guruji, from then onwards, I'm not doing, ठीक है. So there are other plants also, okay? You can use chameli. What do you call that? Chameli, jasmine. Or you can even use the branch of the, what do you call that? Pomegranate. Anarke bhi, usse bhi ho sakta hai. Okay. So for Amen symbol, can we use pomegranate stem to draw it on the yes. body? Yes. Thank you, Guruji. नेक्स्ट, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। हेलो सर, सॉरी सर, नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। ये मुझको पूछना है कि मूलधार चक्र वाला जो मेडिटेशन जो है, ये जब भी करते हैं तो वाइब्रेशन हर बार अलग अलग जगह पे फील होता है, ये ठीक है कि एक ही प्लेस पे होना चाहिए? दैट इज टोटली फाइन सर। मतलब आगे पीछे, थोड़ा ऊपर नीचे, कभी भी कहीं भी फील हो सकता है? कहीं भी हो सकता है सर। अभी एग्जैक्टली क्या है कि जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो किस जगह से आपका एनर्जी अंदर अभी जा रही है। ओके, दूसरी चीज, दिस इज द वन एक्सरसाइज दैट विल रिमूव सो मेनी ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ योर मूलाधार चक्र। ओके, आज ब्लॉकेज यहाँ पे होगा, अगर इसको उसने खत्म कर दिया हो, अब वो वहां पे नहीं होगा ना फिर नेक्स्ट टाइम। ऐसे उसका काम तो क्या है, ब्लॉकेज को खोलने का काम है जी। ठीक है ना, क्लियर है? यस जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ममता जी बोलिए। हां सर, जैसे मैं जो मूलाधार का हम कर रहे हैं और वो जो अश्विनी क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक तो ठीक था, पिछले 2 दिन में मुझे बहुत ज्यादा एज एन इचिंग एंड वो पेन सा लगा अपने एनल एरिया में। सो दैट इज वन। सेकेंडली, जो मेरा फ्रोजन शोल्डर है और उसके लिए मैंने वज्र वाला मैं रोज कर रही हूँ, तो मेरा वो जो है बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से। लेकिन पहले राइट शोल्डर में था, अभी वो लेफ्ट शोल्डर के अंदर फील हो रहा है। और ये एक्चुअली इंट्रिंसिक शायद फियर भी है, विच आई कैन सेंस, क्योंकि बोलते हैं कि अगर राइट शोल्डर, अगर एक शोल्डर में किसी को फ्रोजन होता है तो 18% पेशेंट्स को दूसरे शोल्डर में आ जाता है। और वो दिमाग में मेरे पता नहीं क्यों बैठ गया, तो वो फियर है क्या? उसके लिए मुझे क्या करना है? अभी पहले चीज तो ना, फियर को हटाओ। अभी जो आमेन सिंबल है एंड यू स्टार्ट टेकिंग द टैपिंग, जहां जहां पे आपको फियर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, व्हेन जब तक हमने जो मूलाधार चक्र का मतलब है मूल आधार, and that is the one part that is connected with most of your past, okay? वहाँ पे अभी itching हो रहा है, इसका मतलब कि so many of your past karma has been clean. अभी I mean वो ना as a अभी finally आप अपने आप को वो चीज कर रहे हो, cleansing कर रहे हो, ऊपर आ रहे हो,
यहाँ इस तरफ आ रहे हो, दैट इज टोटली नेचुरल। तो इसका मतलब कि आपने सचमुच में कर रहे हो। Yes? गुरुजी, हाँ जी बोलिए। गुरुजी मैं बताना चाहूंगी, मेरा आज 21 डेज कंप्लीट हुआ है। तो मैं 108 का मंत्र कर रही थी, लेकिन लास्ट 16 डेज मेरे लिए बहुत टफ गए, जो मैंने मतलब ऐसे निकल नहीं रहे थे। लेकिन अब नाउ मैं मतलब इतना रिलैक्स फील हो रही हूँ कि मेरे को हर बॉडी मतलब पार्ट्स अच्छा रहता है, तेज हार्ट बीट भी नहीं होती, और नहीं तो इतनी ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती थी पहले छोटी सी बात सुन के, और अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और आज से मैंने दो बारी का चैंटिंग भी स्टार्ट कर दी 108। दैट इज वेरी वेरी नाइस, थैंक यू गुरुजी। यस नेक्स्ट। हेलो, हां जी, हेलो, आवाज आ रही है सर? हां जी बोलिए काजल जी। सर ये, हाँ जी सर, जैसे ये मैंने ना मंत्रा रेगुलरली करा, बट बीच में मेरे एक पेट का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो मैं उस टाइम ना कर नहीं पाई, मतलब मैंने बैठे बैठे तो किया, मतलब प्रॉपरली नहीं कर पाई, तो मुझे वो फिर से वन डे से स्टार्ट करना पड़ेगा? yes, कोई भी रीजन हो, अगर आपने एक दिन भी मिस किया हो, yes, that has to be start from a day first. 40 days भी कर दिया फिर भी वन डेज मिस हो गया, that we have to do from day first. ओके ओके ओके। और सर इससे कर सकते हैं जैसे आपने वाटर को बताया? आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे क्या सर जी? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे क्रिस्टल बॉल को चार्ज कर सकते हैं जैसे आपने वाटर? क्यों नहीं कर सकते, कोई भी चीज को लामा फेरा मंत्र से चार्ज करो ना, सी द डिफरेंस। मान के चलो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अ वास्तु शास्त्री ओवर हियर, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द वास्तु शास्त्री हैज सो मच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो जो होते ना एंटीना वाली चेक करने के लिए, राइट? ओके, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैज, ओके, नाउ यू कैन चेक द एनर्जीज, ओके, पहले ओके टेक द सेम वाटर और सेम थिंग ऑन अ टू प्लेस एंड चेक द एनर्जी। नाउ एक में आप कैचेस करना, चांटिंग कर देना, एक में उसका एनर्जी डाल देना विद दिस लामा फेरा मंत्र एंड चेक द एनर्जीज, you will automatically see the difference within few minute. ठीक है? Hello Guru. हाँ जी, हजुर सर। I have mixed all the acids. Can I use that one or do I need to draw a new one? You can use that one also. Okay, thank you sir. Sir. हाँ जी बोलिए। आज का क्लास मिस हो गया, रिकॉर्डेड मिलेगा? रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों के, मेरे लिए थोड़ा सा वो चीज कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। ओके सर, थैंक यू। गुरुजी, नवेंदु हियर, कैन यू हियर मी सर? यस यस सर। सर आई हैव सम प्लांट्स ओवर इन माय होम, सो कैन आई यूज दिस वाटर on yes. the plants to check, see if the this is working on them or yes, not? Yes sir, you can check it sir, do it. Okay, so I will try put the sprinkle this water on the plants to see if they grow well or if how it do it sir them. Okay sir, thank you so much. Sir I have a question sir. Yes sir, how can we excel in academics by using all these lama fera symbols and all, and what techniques can we use to excel in academics? In academics, suppose, okay, the thing is for academic, okay, academically hum kaise kar sakte hain, this is a very very nice question. That the important thing is why aluma symbol is been used. Aluma symbol is been used where you are protecting yourself. And for a student, for a teacher, okay, many times other people opinion, other people thought, other people, I mean, different type of energy will block them. And yes. if they can, I mean, protect themselves from all those type of energy, yes, their concentration will be high. That is the number one, yes. Second thing, this Amin symbol is being, I mean, used for the removing of the fear. So what type of a fear has? So many people has the fear of science, many people has the fear of mathematics, many people has the fear of Hindi language, and many people has the fear of school itself, many people has the fear of books,
many people has the fear of teachers. Many people has the fear of examination. Many people has a different type of fear. Until and unless you remove those fear, what will happen? And if you able to remove those fear, you can grow more fast, more better, and you can give more concentration. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. And one more question, sir. Like many times we'll work hard so much, sir, but expected results, we will not get it very soon, sir, or some unexpected things will happen. So like, why will it happen like that, sir? I had already, talked about that thing, yes, on black magic issues. I think from this May 15, seminar class is going to happen. Those, yes, who just wanted to know about why unexpected things happen in life, I think they should join that class. And that the charge is very nominal for a 3 days and 21 days sadhana. That is 333 rupees only. Okay, sir. Okay, thank you, sir. If there is more fear, remove one by one. Aaj ke liye itna hi karte hain. Okay, so it is very nice to meet with all of you. Happy to see all of you, and I will provide the link. Okay, this recording also. Next thing is, by tomorrow, Tubel, we have to submit the attunement form. Jisne Tubel tak attunement form submit nahi kiya hai, unka Buddha Purnima mein attunement nahi hoga. This is the last question, Minuji. Yes. Sir, baki question to sab solve ho gaye. But mere ko ye puchna tha ki maine form fill up kiya hai. बट उसमें वो फोटोग्राफ पुराना है सो अभी मैं लेटेस्ट भेजती हूँ तो नया फॉर्म भरना होगा नहीं आपको एक बार फिर से नया फॉर्म मोसेस कर दीजिएगा क्योंकि द मोर फोटो दैट इज मोर लेटेस्ट इज गुड फॉर यू ओके ओके नया फॉर्म भरे ना हाँ गुरु जी ओके थैंक यू सर वन पर्सन प्लीज कैन वी ड्रॉ द सिंबल्स विद हैंड विद फिंगर आई मीन टू से यस यू कैन ड्रॉ द सिंबल्स विद हैंड with this finger, okay? This finger, not this one, okay? This one. Clear? Hai? Hello, and Guruji? Hello? Has this time already finished? Phir bhi, yes? Hello. So this is the last question, sir. Sir, Guruji, can we use the Reiki symbols along with our Ramaphara? Yes, sir, you can use any type of symbol, any type of modalities, yes, together with it. Okay? Thank you so much, everyone. Good night.